हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का काम, और ये जो काम मैं आपको दिखाऊंगा, इस पूरे प्रोजेक्ट का दिखाऊंगा जो कि 70 किलोमीटर लंबा है। तो यानी कि दिल्ली से हम और आप चलने वाले हैं पानीपत तक और देखने वाले हैं कि कितना कुछ काम इस पे हुआ है। सो ये है दोस्तों शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक, और स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक पे। आई नो आप में से बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि भाई कब दिखाओगे दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का काम, तो चलिए आज आरंभ करते हैं। इस जगह पर देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर आपको खास अब कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलता नहीं है। पहले इस जगह पर जो हुआ करता था 3 लेन, अब खासकर इस वाले पॉइंट पे क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर मर्ज हो जाता है तो इस वजह से यहाँ पर आपको 5 लेन देखने को मिलता है, और अच्छा खासा स्पेस भी मिलता है अब आप हमारे आपके लिए। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेनेज दिखेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये एक्सप्रेस वे जिसे कि NH44 भी कहते हैं। तो चलिए आज हम और आप इसी तरफ चलने वाले हैं दिल्ली से पानीपत तक, और तकरीबन इस 70 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट का काम भी दिखाऊंगा, और इसी बहाने ड्राइव भी हो जाएगा, और इसी बहाने में मैं पानीपत से घूमकर वापस भी आ जाऊंगा, मतलब घूमकर मतलब समझ रहे हो, यू टर्न लेकर। तो चलो चलते हैं भाई। ज़्यादातर जो हिस्सा है ना वो हरियाणा में ही आने वाला है, और कंस्ट्रक्शन आपको दिल्ली वाले हिस्से पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा क्योंकि दिल्ली वाला हिस्सा बहुत पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। इतिहास इसका बहुत पुराना है, 2019 में ही इसे बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन जो इस कंपनी को काम दिया गया था वो कंपनी तय वक्त तक काम कर नहीं पाई। SL इंफ्रा, ये वही कंपनी है जो कि SL ग्रुप है ना, GTV, जी न्यूज़, उन्हीं की कंपनी है भाई ये SL इंफ्रा। तो उनको सबसे पहले NHAI ने काम दिया था, तय वक्त पर कंप्लीट नहीं कर पाए। कब मिला था उनको काम? 2015 में, 2019 में ही बना देना था उन्हें, नहीं कर पाए। फिर नई कंपनी आती है, नई कंपनी कौन? वेल्सपन ग्रुप, और उन्होंने वाकई में बहुत कमाल का काम किया, खासकर इस दिल्ली वाले हिस्से पे भी आपको देखने को मिलता है, और जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितना सारा काम हो चुका है। और सच बताऊँ तो बस आने वाले कुछ महीनों में ये स्टार्ट भी हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्ट तो है ही भाई। NH44 इसे बोलते हैं, अपने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ये हाईवे जाता है, और तो इस पर गाड़ियों का मूवमेंट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और ख़ासकर दिल्ली से लेकर हरियाणा वाले रूट पे तो आपको अच्छा खासा मिलेगा, बहुत ही अच्छा। मतलब चंडीगढ़ तक तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इस पर रश होता है, उसके बाद फिर आपको थोड़ा कम मिलता है क्योंकि चंडीगढ़ से दिल्ली बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, और उसके बाद दिल्ली से लोग शिमला, मनाली, कुल्लू, लेह, लद्दाख सब जगह तो जाते हैं भाई, जम्मू कश्मीर भी जा सकते हो, तो इसीलिए इस पर आपको अच्छा खासा ट्रैफिक का लोड मिलता है, और इन्हीं सब वजहों से ये हाईवे बहुत यूनिक हो जाता है। अभी दिल्ली वाले हिस्से में कुछ काम नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको जहाँ पर देखने को मिलेगा ना वहाँ लेकर चलता हूँ। ये वाला हिस्सा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, तो चलो चलते हैं। सो दोस्तों ये जगह है अलीपुर, और अच्छी बात बताऊं अलीपुर में यहाँ पर जो एक फ्लाईओवर बनाया जाना था वो बनकर तैयार हो चुका है, और आज हम और आप पहली बार अलीपुर में बनाया गया ये जो फ्लाईओवर है इस पर ड्राइव करने वाले हैं। तो ये है वो फ्लाईओवर जो कि फाइनली बनकर तैयार हो चुका है, यहाँ पर ड्रोन शॉट भी देखोगे तो बड़ा ही कमाल का है भाई। हाँ, अलीपुर में स्वागत है भाई आपका। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, मतलब इस एलिवेटेड पार्ट से फ्लाईओवर से जैसे ही नीचे आओगे भाई, उसके बाद जो तुम्हें दिखे ना वो समझ जाना वही है UER2। ये जो देख रहे हो ना यही है भाई UER2। स्वागत है आपका UER2 पे भी।
नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के पास जो एलिवेटेड पार्क बनाया जा रहा था वो भी ये बनकर तैयार हो चुका है। और इसके बाद फिर आपको दिखेगा सिंगू बॉर्डर, और सिंगू बॉर्डर पे भी जो एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर है वो बनकर तैयार हो चुका है। भाई सच में ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। तो ये जो आप देख रहे हो ये है सिंगू बॉर्डर, और इस जगह पर भी फ्लाईओवर बनकर तैयार है, और हम और आप उस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे एक और एलिवेटेड पार्ट इसके बाद बनाया जाना है, तो उस जगह पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, इसी वजह से आपको आगे स्लो डाउन भी देखने को मिलेगा ये। और अब जैसे ही आप इस एलिवेटेड पार्ट से नीचे की तरफ आते हैं तो आप एंटर कर जाते हैं हरियाणा में, और आपका हरियाणा में स्वागत है। यहाँ से अब हरियाणा स्टार्ट हो गया, और यहाँ से स्पीड लिमिट भी बढ़ जाता है इस पर 70 से सीधा 90। चलिए थोड़ा सा इंतज़ार इधर करना पड़ेगा क्योंकि स्लो डाउन है, और इस स्लो डाउन से निकलना थोड़ा सा टफ है इस वक्त पे। सच बताऊं तो ये जो स्लो डाउन है वो ड्रोन शॉट जब दिखाया था तो उस वक्त पे लग नहीं रहा था मुझे भी कि इतना टाइम लगने वाला है इस स्लो डाउन से निकलने में, लेकिन सच बताऊं तो मुझे आधे घंटे लग गए हैं स्लो डाउन से निकलने में। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसका अपडेट दूंगा ना तब मुझे इस स्लो डाउन में नहीं फंसना होगा, क्योंकि तब तक तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो इसके रैंप का जो हिस्सा है फ्लाईओवर का वो बनकर तैयार हो चुका है, अब तो सिर्फ और सिर्फ इस पर तैयारी की जा रही है फ्लोरिंग करने की। और ये एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर इसलिए बनाया गया है ताकि हमें और आपको अंडरपास दिया जा सके, और केएमपी एक्सप्रेसवे से पहले आपको कुंडली बॉर्डर पे ये एक एलिवेटेड पार्ट इसलिए दिया गया है ताकि यहाँ पर लोग यू टर्न लेना चाहे तो आसानी के साथ ले सके, और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो हम और आप तो इसके ऊपर से आसानी से होते हुए निकल जाएंगे। और इसके बाद जो सबसे बड़ा एलिवेटेड पार्ट यानी कि सबसे बड़ा जो कंस्ट्रक्शन का काम आपको देखने को मिलेगा ना वो मिलेगा केएमपी एक्सप्रेसवे के पास। चलिए केएमपी से पहले वाला जो फ्लाईओवर है ना ये भी बनकर तैयार हो चुका है। वाह भाई ये देखकर बहुत सुकून मिला मेरे को, सच बता रहा हूँ। वैसे मैं पानीपत किसी काम से तो नहीं जा रहा हूँ, बस आपको बस ये अपडेट दिखाना है कि कितना काम हुआ है, इसी वजह से जा रहा हूँ मैं।
केएमपी एक्सप्रेसवे को ये क्रॉस तो नहीं करेगा, केएमपी एक्सप्रेसवे के नीचे से गुजरेगा, इसलिए हाईवे का पार्ट होने वाला है। तो हाईवे के पार्ट पे अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, और अब ये जो जगह देख रहे हो यही है केएमपी एक्सप्रेसवे का कुंडली का इंटरचेंज। और केएमपी एक्सप्रेसवे इसीलिए बोलते हैं इसको कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हिस्सा है इसको बोलते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल, और राइट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल जी। और वैसे ये रिंग रोड ही है दिल्ली का, समझ लो, इनफैक्ट दिल्ली का नहीं यार, एनसीआर का रिंग रोड कह लीजिए इसे जी। लेफ्ट वाले हिस्से को बोलते हैं वेस्टर्न, राइट वाले को बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का। इसी से वापस जाऊँगा मैं गुड़गांव, क्योंकि इससे बहुत कम टाइम लगता है गुड़गांव जाने में। अभी जिधर से आऊँ ना दिल्ली के अंदर से बहुत टाइम लगता है भाई। चलो केएमपी को जैसे आप क्रॉस करेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट भी बनकर तैयार हो चुका है, यहाँ पर लेन मार्किंग का काम भी हो चुका है, रोड बनाने का काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो करना क्या है, ड्राइव करना है भाई, चलो करते हैं। आने वाला एक टोल प्लाजा, यहाँ पे मुझे टोल पे करना पड़ेगा, और वो इसलिए क्योंकि मुझे तो पानीपत तक जाना है और आपको दिखाना है कि कितना कुछ काम हुआ है, तो इस टोल प्लाजा को क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। बस एक ही है ये, एक अभी जाऊँगा तो लगेगा, वापसी में भी लगेगा। मतलब वैसे तो मैं आपको अपडेट 70 किलोमीटर का ही देने वाला हूँ, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट 70 किलोमीटर का है, लेकिन मुझे तकरीबन डबल से भी ज़्यादा ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि वापस भी तो आना है मेरे को, है ना। मूर्थल को क्रॉस करने के बाद, मतलब ये टोल प्लाजा जब आप क्रॉस कर दोगे तो उसके बाद आपको जो व्हीकल का मूवमेंट है ना वो कम देखने को मिलता है कंपेयर टू जो मूर्थल से पहले आपको देखने को मिलता है। और एक तो ये हो जाता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया जो पीछे ही चला जाता है, और बहुत सारे लोग मूर्थल में रुक भी जाते हैं ना, है ना, पराठे खाने के लिए, इसी वजह से। तो अब हमें कम गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी कंपेयर टू जो हमें पीछे मिला है, और अब तो हमें बस एक ही काम करना है, बस ड्राइव करना है भाई।
सो दोस्तों ये जो जगह है ये है पानीपत, और पानीपत में आपको दो एलिवेटेड पार्क दिखेगा जो कि बनाया जाना है इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे के अंतर्गत। ये वाला जो आप एलिवेटेड पार्क देख रहे हैं, ये जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, ये भी बनाया जा रहा है व्हीकल अंडरपास के लिए। इस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो अच्छा खासा किया जाना है, और अभी तो यहाँ पर देखेंगे तो पियर्स तो बन चुके हैं, पियर को कनेक्ट करने का जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी फ्लोरिंग का जो काम है जहाँ पर यूटर्न के लिए बनाया गया है बॉक्स उसके ऊपर किया जाना है जी। और रैंप वाले हिस्से पे देखेंगे तो यहाँ पर अर्थवर्क का जो काम है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। इस तरफ दिल्ली वाले हिस्से पे तो देखेंगे तो हो ही चुका है, पानीपत वाले हिस्से पे अभी यहाँ पर रैंप का जो काम है वो किया जा रहा है और उसमें अर्थवर्क का काम भी किया जा रहा है। इस तरफ जब हम और आप आगे पानीपत की तरफ चलेंगे तो दिखेगा कि यहाँ पर हाईवे का पार्ट होने वाला है, और इस हाईवे के पार्ट पे अभी अच्छा खासा काम करना है जी। लेकिन वैसे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि हाईवे के पार्ट में ज़्यादा कुछ काम करना होता नहीं है कंपेयर टू स्ट्रक्चर के। इसके बाद आगे अगर देखेंगे तो एक और आपको एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर दिखेगा जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, और उस पर आपको व्हीकल मूवमेंट भी दिखता है। और इस फ्लाईओवर के नीचे जब आप आएंगे तो परियोजना समाप्त हो जाती है, यानी कि ये फ्लाईओवर आखिरी हिस्सा है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बनाए जाने वाले इस परियोजना का। और उसके बाद ये जो फुटओवर ब्रिज देख रहे हो ना, इस फुटओवर ब्रिज के बाद तो दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट समाप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पानीपत एलिवेटेड रोड जो कि बनकर तैयार हो चुका है, 3 लेन का है, 3 लेन ईस्ट साइड, 6 लेन का है, और ये जो दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का जो मेन कैरेजवे है ये 4 लेन ईस्ट साइड है, यानी कि टोटल 8 लेन का। तो समरी में आपको बताऊं तो केएमपी एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो उस तरफ ज़्यादा काम है, और केएमपी से जब आप पानीपत की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ज़्यादातर जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ पानीपत में ही काम किया जाना है। और सच बताऊं तो मूरथल से पानीपत आने में मुझे लगे हैं एग्जैक्टली 25 मिनट्स। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये पूरा स्ट्रेच बनकर तैयार हो जाएगा तो आपका ट्रैवल टाइम कितना कम होने वाला है जी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आई नो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, इसलिए थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर वेबसाइट पे विजिट नहीं किया तो वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे मैं बता भी देता हूँ, www.rslive.in वेबसाइट पे जाओ, विजिट करो और कमेंट करके बताना कैसा लगा वेबसाइट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। I'm going to go to the next one.